उन्होंने काम नहीं दिया। अपनी सरकार में इन्होंने काम किए थे, रोज प्रदर्शन धरने करते थे, मीडिया वाले पूछते थे कब चंडीगढ़ खाली कराओगे, मगर 24 तारीख को चंडीगढ़ की कोठी भी इनकी खाली कराओगे। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहतक विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने पिछले 5 साल कुछ संघर्ष नहीं किया और पूरा समय सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाने में लगा दिया। इस दौरान कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया, जबकि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना होता है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति जनता की क्या आवाज उठाएगा। ग्रोवर मंगलवार को रोहतक के छोटूराम चौक के नजदीक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने माना कि पहले भाजपा का संगठन कमजोर था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सत्ता में बैठकर सरकार के साथ संगठन को मजबूत किया है। मीडिया वाले पूछते थे कब चंडीगढ़ खाली कराओगे, मगर 24 तारीख को चंडीगढ़ की कोठी भी इनकी खाली कराओ। वही खेल के रखा हुआ उन्हें हमारे भाई सही नामला जी ने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के काम, नियत, सोच, विकास, प्रदेश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये हमारा संकल्प है। इसलिए मैं बहन भाई आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, 21 तारीख को जिसका 5 साल मैंने आपकी सेवा की है, इस 5 साल की सेवा पर 21 तारीख को जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप 90 में 75 नंबर दे रहे हैं, मुझे भी 100 में कितने नंबर दे दोगे, 100 में कितने नंबर दे दोगे, काली नारे में मत लगा देना, तड़के मोर भी लगा के आ जाना। भारत माता की भारत। और क्षेत्रवार अपने तक सीमित, इसलिए हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें दी और हमारा संगठन कमजोर था, परंतु सत्ता में बैठकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 47 के साथ संगठन मिलकर आज प्रदेश में क्या हालात है, संगठन और सरकार दोनों मिलकर आज प्रदेश में 5 मेयर जीते, 10 की 10 लोकसभा जीती, जिनका उपचुनाव जीता, और अब 2019 मनोहर सरकार ये इस विपक्ष का काम होता है, सरकार के नाकामियां कमियां उठाना, जनता के बीच जाना, तपती धूप में प्रदर्शन करना सरकार के खिलाफ। क्या आपने 5 साल किए एक भी प्रदर्शन नहीं किया? हाँ, एक काम 5 साल आप लगातार करते रहे, दलित अध्यक्ष को 5 साल हटाने में लगा दिया। जो व्यक्ति अपने अध्यक्ष को 5 साल में हटाने में लगा रहा है, वो प्रदेश की जनता की आवाज उठाएगा क्या? वो एक गली के प्रधान को हटाने में लगा दिए 5 साल, वो प्रदेश की जनता को आवाज उठाएगा क्या? और हालात क्या हुए, 5 दिन पहले टिकट बिकने में अशोक तिवारी कह रहा है सोना की टिकट 5 करोड़ की बिकी। मैं नहीं कह रहा, ये अशोक तंवर के बयान है। और जब एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहा है 5 करोड़ की टिकट बिकी, तो मतलब जो आप जनता चुनेगी वो पहले अपनी चिंता करेगा या समाज की चिंता करेगा? इसलिए आज अशोक तंवर को हटाने पर उसे कांग्रेस से भी रिजाइन देकर उसने भूपेंद्र हुड्डा पर सीधा अटैक किया, हमला किया। खाली उन्होंने नहीं किया, किरण चौधरी ने किया, रवि रोहतक के अंदर भी आरोप लगने चालू हो चुके हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस घर के अंदर बर्तन फटते हैं ना, ये हमारी बहने बैठी हैं, डॉक्टर हमारी डॉक्टर ही कहूंगा, हमारी एक्स एमएलए सीता रैन जी, हमारी बहन अनीता जी, मिलानी जी, हमारी बहन रेणु डावला जी, जिस रसोई में बर्तन फटने चालू हो जाए ना, उस घर का मटका भी सूख जाता है। सूख जाता कि नहीं सूखता? और जिसका मटका सूख जाए उसका क्या होता है? तो कांग्रेस का मटका सूख गया, कांग्रेस का मटका सूख चुका है। इसलिए
अब नेता नेता बचे वहां, अब कार्यकर्ता बहन अनीता जैसी दो बार पार्षद कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं।